क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं अपना व्यावसायिक वित्त क्या होता है, उसका अर्थ हम पढ़ चुके हैं, उसका वर्गीकरण मतलब व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता किन किन चीज़ों के लिए होती है, इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर तक अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका तीसरा टॉपिक उठा रहे हैं, जो कि है वित्तीय या धन के स्रोतों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो हमारे व्यवसाय के अनेक स्वरूप होते हैं, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनी स्वरूप। सामान्यतः एकाकी व्यापार जो होता है, एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है और उसके लिए बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह अपने व्यक्तिगत स्रोतों से ही अपना कार्य चला लेता है। और कभी कभी उसे पैसों की आवश्यकता अधिक होती है तो वो अपने बैंकों से, अपने साथी संगठनों से ऋण प्राप्त करके भी अपनी वित्त की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। ठीक उसी प्रकार साझेदारी इकाइयाँ भी होती है, उसके अंदर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और वह अपने व्यक्तिगत स्रोतों से ही ज़्यादा धन एकत्रित करते हैं, और आवश्यकता से अधिक वित्त की आवश्यकता होती है तो वह भी बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी स्वरूप की बात करें तो उनको व्यवसाय के वित्त की अधिक आवश्यकता होती है और वे विभिन्न स्रोतों से अपने ऋणों को, अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। व्यावसायिक वित्त की जो आवश्यकताएं हैं उसके अंदर जो वित्तीय स्रोत होते हैं उनको हमने यहाँ पर एक चार्ट लगाया आपके सामने, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पूंजी के स्रोतों के आधार पर उसे श्रेणीगत किया गया है, जैसे कि आवश्यकता आप अवधि के आधार पर बात करें कि वित्तीय स्रोत छोटी अवधि के भी हो सकते हैं, बड़ी अवधि के भी हो सकते हैं, जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होते हैं इसके आधार पर कि हमें कितने समय के लिए ऋणों की धन की आवश्यकता है। अगर छोटी अवधि के लिए इसे तो हम लघु अवधि जो वित्तीय स्रोत है उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हमें कुछ मध्यम श्रेणी की अवधि के लिए ऋण चाहिए, तो हम पैसा चाहिए तो हम मध्य अवधि के जो है स्रोतों को यूटिलाइज करते हैं, और तीसरा होता है कि हमें बहुत लंबे पीरियड के लिए चाहिए। तो आवश्यकता आपकी अवधि के आधार पर कैसी है उसके हिसाब से आप वित्तीय स्रोतों को काम लेते हैं। तो अब सबसे पहली श्रेणी जो बांटी गई है वो है अवधि के आधार पर वित्तीय स्रोत कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे तो तीन श्रेणियों में यहाँ विभाजित किया है, दीर्घ अवधि यानी लंबी अवधि के लिए, फिर आता है मध्य अवधि, फिर आता है अल्प अवधि। अब हम बात करते हैं दूसरा स्रोत जो होता है वो होता है आपका, जिसे हमने स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया है। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण में भी आपको दो वर्गीकरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक तो होता है स्वामित्व कोष, एक होता है ऋणगत स्रोत। स्वामिगत कोष क्या होते हैं कि आप अपने स्वयं के स्रोतों से जो लगाते हैं उसको हम स्वामिगत कोष कहते हैं, और जो दूसरे बाहर के लोगों से हम लेते हैं, जिसमें हम वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से इनसे ऋण लेते हैं, ऋण के रूप में लेते हैं, वो होते हैं ऋणगत कोष। तो इस पे मालिकाना हक स्वामित्व की बात करते हैं तो स्वामित्व के आधार पर दो होते हैं, और तीसरा जो स्रोत होता है वो जुटाने के स्रोत के आधार पर होता है, इसमें हम बोलते हैं आंतरिक स्रोत जो इंटरनल जो आप अपने पास से लगाते हैं, और दूसरा होती है बाहर स्रोत जो बाहर के स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये एक चार्ट जो आपको यहाँ दिया गया है ये आपके वित्तीय स्रोतों के वर्गीकरण का चार्ट है, जिसके आधार पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अवधि के आधार पर वित्तीय स्रोत क्या होते हैं। अवधि के आधार पर वित्तीय स्रोतों को भी यहाँ तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, दीर्घ अवधि स्रोत, मध्य अवधि स्रोत और अल्प अवधि स्रोत। अब आता है कि दीर्घ अवधि स्रोत क्या होते हैं। दीर्घ अवधि स्रोत वो होते हैं जो कि हमें एक लंबी अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं। सामान्यतः जब हम स्थायी संपत्तियों का क्रय करते हैं, जो कि एक व्यवसाय के अंदर एक बार खरीदी जाती है और जीवन पर्यंत चलती है, तो ऐसी संपत्तियों को, स्थायी संपत्तियां हैं, मशीन है, बिल्डिंग है, इस तरह की जो हमारी संपत्तियां होती है उनको खरीदने के लिए पैसों की भी अधिक आवश्यकता होती है, और दूसरा ये ज़्यादा समय के लिए होती है, सामान्यतः 5 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए ये लगाई जाती है यानी निवेश की जाती है। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो स्रोत काम में लिए जाते हैं, जैसे कि शेयर्स है हमारे, जिसको हम अंश पत्र डिबेंचर्स बोलते हैं, या लंबी अवधि के लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं हम, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं, ये सारे हमारे दीर्घ अवधि के अंदर आते हैं।
परंतु कुछ आवश्यकताएं व्यवसाय की ऐसी होती हैं जो 1 साल से अधिक अवधि और 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए होती है। ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें मध्य अवधि वित्तीय स्रोतों को उपयोग में लेते हैं, जो सामान्यतः हम हमारे कॉमर्शियल बैंक से या लोन के रूप में हो सकता है, या सार्वजनिक जमाएँ, या हम आजकल देखा होगा लीज फाइनेंसिंग कराते हैं, उन आवश्यकताओं से पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ आवश्यकताएँ जो हमारी करंट कैपिटल के रूप में होती हैं और हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथवा 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं लघु अवधिक वित्त। ठीक है, लघु अवधिक वित्त के लघु अवधिक वित्त के स्रोत हैं, जैसे आप किसी भी व्यापार से, किसी भी व्यापारी से हम क्रेडिट ले लेते हैं, माल उधार प्राप्त कर लेते हैं, या वाणिज्यिक बैंकों से ऋण ले लेते हैं, या हम किसी प्रकार के विनिमय पत्रों का, वाणिज्यिक पत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी सब लघु अवधि के स्रोत होते हैं, जिनसे हमने अपनी अल्प अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अल्प अवधि की जो आवश्यकताएँ होती हैं उसको हम चालू संपत्तियों के लिए, जैसे माल का स्टॉक करने के लिए, या प्राप्य बिल है, या हमारे मौसमी व्यवसाय की संभावित बिक्री के लिए स्टॉक जमा करना है, ठीक है, इस तरह की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। थोक व्यापारी और विनिर्माता जिनकी अधिकांश संपत्तियां आपने देखा होगा स्टॉक्स में या प्रापणीय के रूप में रहती है, उन्हें अल्प अवधिक वित्त की बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और वह अपने इन स्रोतों से इस धन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। दूसरा होता है सामाजिक आधार पर वित्त की आवश्यकता। सामाजिक आधार पर वित्त की आवश्यकताओं को स्वामित्व कोष तथा ऋण गत कोष के रूप में वर्गीकृत किया है। अब आता है कि सामाजिक कोष क्या होता है। सामाजिक कोष होता है जो स्वामियों द्वारा दिया जाता है, जैसे एकल व्यापार या साझेदारी व्यापार कंपनी के अंदर जो अंशधारी होते हैं वो कहलाता है स्वामिगत कोष। पूंजी की अतिरिक्त इसमें लाभ का वह भाग जो व्यापार में निवेशित किया जाता है या कोष के रूप में रखा जाता है, उसको अगर काम में लिया जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, स्वामिगत कोष ही कहते हैं। स्वामिगत पूंजी व्यवसाय के अंदर लंबी अवधि के लिए निवेश की जाती है, क्योंकि इस विनियोजित पूंजी का उसके अस्तित्व काल या जीवन काल में कभी उन्हें लौटाना नहीं पड़ता है। ये पूंजी स्वामी के प्रबंध पर नियंत्रण के अधिकार को भी उन्हें प्राप्त कराती है, क्योंकि जो पैसा लगाता है, अंश खरीदता है, वो एक तरीके से उसका मालिक होता है और मालिक को उस पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार भी प्राप्त होता है। समता अंशों का निर्गमन एवं संचित आय के जो है वो इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं, जिन्हें हम स्वामिगत कोषों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब आते हैं दूसरे कोष की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऋणगत कोष। इसका अभिप्राय होता है ऋण या उधार लेने के माध्यम से एकत्रित किया गया कोष। क्या कहता है ऋणगत स्रोत जो होते हैं उनके अंदर हम वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेते हैं, वाणिज्यिक संस्थाओं से ऋण पत्रों का निर्गमन करके, या सामाजिक सार्वजनिक ऋण या व्यावसायिक साख को सम्मिलित करते हैं। इन स्रोतों के कोष एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किए जाते हैं और एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर उन्हें लौटाना भी होता है। इन कोषों पर सामान्यतः हम जो निश्चित अवधि के होते हैं उन पर एक निश्चित दर से हमें ब्याज भी देना होता है। कभी कभार तो व्यवसाय पर ये इतना अधिक भार हो जाता है ब्याज का, क्योंकि कम आय होने पर या हानि होने पर हम हमारे जो निर्धारित ब्याज दर है उससे ब्याज नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः किसी स्थायी पूंजी की, स्थायी संपत्ति की हम जमानत पर ऐसे कोषों को प्राप्त करते हैं तो हमारी जो व्यापारिक संस्था है वो कई बार दुविधा में पड़ जाती है और व्यावसायिक हानि का उन्हें सामना करना पड़ता है। यानी अगर बात करें तो ऋणगत स्रोतों की, तो इसके अंदर जोखिम की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम समय पर ऋण और मूलधन का भुगतान न कर पाए तो हम दिवालिया भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने दो प्रकार के आधार पर स्रोतों की जानकारी ली। आगे का जो हमारा तीसरा है आंतरिक उभारी सुविधाओं के आधार पर, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।